हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आई हूँ आज नई डिश। तो आज मैं बनाऊंगी सूजी और आलू का बहुत टेस्टी नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सूजी ले रखी हूँ और यहाँ ले रखी हूँ आलू बॉईल किया हुआ, 2 से 3 आलू को, जिसे मैं भूरा कर ली हूँ। चलिए इसको बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं उस बाटी से सूजी ले रखी हूँ, उस बाटी से 2 बाटी पानी बैठा रखी हूँ। अब मैं इसमें डाल दी हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अब इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। पानी को अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। मेरा पानी बॉईल होने लगा तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये सूजी है तो सूजी को थोड़ा थोड़ा दे के इसमें चला लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सारा सूजी को डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से चला लेती हूँ जो सूजी को। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से चला ली हूँ, गैस को मीडियम रखिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा आलू है तो मैं इस आलू को इसमें डाल देती हूँ। ये जैसे कि मेरा सूजी पानी पी लिया है तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा आलू है, आलू को इसमें डाल देती हूँ और आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ठंडा होने के लिए, जब तक ठंडा ना हो 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसको रूम टेम्परेचर पर, जो मेरा ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको प्याले में निकाल ली हूँ, ये मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है थोड़ा थोड़ा, जब हाथ का बर्दाश्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें अदरक डाल देती हूँ थोड़ा सा। आप पहले डाल दें अदरक, मैं भूल गई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और ऑयल लगा के और इसको अच्छे से गून लेती हूँ, जैसे हम लोग आटे गूनते हैं ना, उस टाइप के इसको गूनना है, जो इसको गून के एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए हल्का गर्म है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऐसे गून लेती हूँ इसको। जितना गूनेंगे उतना अच्छा होगा। इसको माखना है आटे को, सॉरी फ्रेंड्स, आटे को नहीं, डो को। तो यहाँ देखिए, आपको देख के ही पता चलता होगा कि मैं इसको कितना माखी हूँ, इसे 5 से 6 मिनट तक इसको माखी हूँ पूरा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और ऑयल लगा के आपको दिखा देती हूँ कि इसको किस टाइप के करना है और कितने साइज। आप चाहे तो इसको लंबे साइज दे सकती हैं या गोल, कुछ भी शेप दे सकती हैं, पर मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो ये देखिए, इस टाइप के रखना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। तो आप इसको लंबे भी शेप दे सकती हैं या गोल, जैसे मन करे आपको वैसे शेप दे दीजिएगा, क्योंकि खाने में तो स्वाद वही रहेगा। तो यहाँ देखिए मैं सारे डो को ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा सारा बन के रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें नॉन स्टिक में बना रही हूँ फ्राई पैन में, तो आप इसको चाहें तो आप इसको तल भी सकती हैं, पर इसमें थोड़ा सा ऑयल में बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं गैस को मीडियम रखिएगा और मैं इसको अच्छे से नीचे से मैं सारा चीज़ को डाल रही हूँ, जितना मेरा पैन में आया है उतना। तो मैं नीचे से इसको अच्छे से पकने देती हूँ 1 से 2 मिनट तक, फिर मैं इसको पलटूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा नीचे से पक गया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको पलट देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। तो मैं क्या करूँगी, नीचे वाला को भी पार्ट को अच्छे से आपको पलट के दिखा देती हूँ सबको। तो मैं नीचे को भी ऐसे 1 से 2 मिनट पकने देती हूँ और इसको अलट पलट के पका लेना है, जो चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो आप चाहे तो फिर से इसे पलट के पका सकती हैं। तो मैं देखिए इसको अच्छे से रेड करूँगी पका के। तो यहाँ देखिए मेरा नीचे से भी ये अच्छे से पक गया है।
फ्रेंड्स ये देखिए एक दो ठो मेरा नहीं नीचे से पका है, तो मैं इसको फिर से पलट लेती हूँ और इसको नीचे से अच्छे से पकने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा नीचे से पक गया है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा है इसको निकाल लेती हूँ। तो आप इसको एक चम्मच के हेल्प से इसको निकाल लें। तो फ्रेंड्स मैं इसको निकाल ली हूँ, तो अब मैं क्या करी जो मेरा अभी बहुत सारा बचा है, तो मैं क्या करी उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। तो नीचे से इसको 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर इसको पलटूंगी मैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा आलू और सूजी का नाश्ता बनके रेडी है। बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत सिंपल रेसिपी था और झटपट बन जाता है, समय भी नहीं लगता है और कोई मेहनत का इसमें काम नहीं है। और मेरी आप इसको चटनी के साथ खाएं या सॉस के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। और मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।